हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का एस्ट एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग लिटरेरी मोमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं बहुत सारे लिटरेरी मोमेंट्स हैं जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए सेगमेंट्स को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये बेहतरीन सेगमेंट चलिए साहब आइए देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों का पिछली क्लास में हम बहुत सारी चीजें के बारे में पढ़े थे रेनासा से स्टार्ट होने वाली जितनी भी पीरियड्स होते हैं इनसे बहुत सारे मोमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे जैसे मोमेंट होती है ना कि मतलब ये ये इस सन में ये मोमेंट हुआ इस सन में ये मोमेंट हुआ इस सन में ये मोमेंट हुआ उसी मोमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं डिस्कशन कर रहे हैं ठीक है माय डियर फ्रेंड तो बताइए रेनासा लिटरेचर रिवर्सर लिटरेचर के बारे में अगर हम आप बात करते तो ये फोर्टीन इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ये फोर्टीन सेंचुरी के टाइम में ये रेनासा को दर्शाया जाता है द लिटरेचर विद इन द जनरल वेस्टर्न मूवमेंट ऑफ द रेनासा यूनाइटेड बाई द स्पिरिट ऑफ रेनासा ह्यूमनिज्म विच अराउज इन फोर्टींथ सेंचुरी जो लगभग लगभग चौदहवीं सदी में क्या होती है अराइज होती है कहा पर इटली में एंड कंटिन्यूड अंटिल द मिड सेवेंटीन सेंचुरी मेरे दोस्त ये जो फोर्टीन सेंचुरी है फोर्टीन सेंचुरी टू सेवेंटीन सेंचुरी जो होता है मेरे दोस्त यही टाइम जो होता है इसी को हम कहते हैं क्या कहते हैं रेनासेंस क्या बोलते हैं रेनासेंस है कि नहीं तो माय डियर फ्रेंड मेरा कहने का मतलब यह है कि इसको एग्जैक्टली exactly हम लोग मोमेंट में लेते हैं कब से कब तक फोर्टीन सेंचुरी टू सेवेंटीन सेंचुरी के बारे में अगर बात किया जाए तो ठीक है ना यही होता है रेनासा जो कि कई बार हमने आप हमने आप लोगों को इनके बारे में पढ़ाया है बताया है जो रेनासा को पूरा कंप्लीट करता है पूरे के पूरे सेगमेंट्स के थ्रू ठीक है माय डियर फ्रेंड चलिए आइए देखते हैं क्या बात हो रही है मैनरिज्म इसी के साथ में एक और वर्ड आता है मैनरिज्म ये मूवमेंट है मैनरिज्म मूवमेंट है इसमें क्या बात की जाती है कि अ अस्टींथ सेंचुरी मूवमेंट जो सोलवी शताब्दी की जो मूवमेंट थी वो क्या एंड स्टाइल दैट इमर्ज इन द लेटर इटालियन हाई रेनासा मेरे दोस्त इसी समय लेटर इटाली जो इटालियन है उसमें जो हाई रेनासा के साथ में आता है उन्हीं के साथ साथ ये भी क्या आता है मेरे दोस्त दैट कम मैनराइज मैनराइज मतलब क्या होता है कि जो भी नॉवेल्स थे जो भी पोएम्स थी जो भी शॉर्ट स्टोरीज थी उसमें एक मैनर के थ्रू लिखा जाने लगा सारी की सारी कहानियां स्टोरीज पहले क्या होता था जो जहां चल रहा है चलने दीजिए कोई क्रिएटिविटी नहीं थी कोई क्रिएशन नहीं था जो चल रहा है सो चल रहा है तो उसी चीज को मैनेज करने के लिए जो वर्ड आता है दैट कम्स मैनरिज्म इन लिटरेरी मोमेंट्स लिटरेरी मोमेंट्स के बारे में अगर हम लोग समझते हैं तो इन्हीं के साथ साथ मेरे दोस्त और सेगमेंट्स बन के आता है कि क्या जरा आप सभी लोग बता दीजिए कि अगर हम इसी इटालियन के बारे में सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अगर आप मैनरीज के बारे में पूछेगा तो मैनरीज किस सेंचुरी में आता है सिक्सटीन सेंचुरी में ये सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आता है किस लैंग्वेज में हुआ था मेरे दोस्त लेटर इटालियन के बारे में बात हो रही है रेना मैनरीज इन लिटरेचर इज नोटेबल फॉर इट्स इलिजेंट और अपने महत्वता के लिए जाना जाता है समझा जाता है हाईली फ्लोरिड स्टाइल एंड इंटेलेक्चुअल सफिस्टिकेशन सोफिस्टिकेशन का मतलब क्या होता है जो हम लोगों को परेशान करता है जो बातें जो सेगमेंट्स जो स्टेटमेंट हम सभी लोगों को क्या करता है परेशान करता है डिस्टर्ब करता है उन सभी सेगमेंट्स के साथ में बात होती है की जो कब आता है सिक्सटीन सेंचुरी में आता है कब आता है मेरे दोस्त सिक्सटीन सेंचुरी में आता है बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई इज दैट क्लियर और नॉट यस डियर अगला हम लोग बात करते हैं क्या आता है बता दीजिए अगला आता है पेट्रार्किज्म, देखिए मेरे दोस्त मैं आप सभी लोगों को पढ़ा चुका हूं सी एच जो होता है सी एच जो होता है यह, यह च भी पढ़ा जाता है क्या पढ़ा जाता है क और च दोनों पढ़ा जाता है क भी पढ़ सकते हैं आप और च भी पढ़ सकते हैं आप सो माई डियर फ्रेंड जरा बताइए कि इस यहां पे हम कीज में कर सकते हैं चीज में कर सकते हैं लेकिन ये कीज पढ़ा जाएगा हमने आपको पढ़ा दिया या पहले या बाद आता है वॉवेल तो हम उसका उच्चारण क करते हैं क्या करते हैं क तो अ सिक्सटीन सेंचुरी मूवमेंट ऑफ पेट्रियार स्टाइल फॉलोवर्स देखिए इसमें पेटर पेटर जो है पेट्रार कीज जो है इसके बारे में अगर हम आप लोग पढ़ते हैं तो ये पेट तार्क वर्ड से बनता है किससे बनता है पेटार्क वर्ड ये आपका पीजीटी में क्वेश्चन इससे पूछा भी जा चुका है कि जो पेट्र है ये किस वर्ड से मिलके बनता है तो यह मिलके बनता है किससे मेरे दोस्त मिलके बनता है पेटार्क्स से मिलके बनता है स्टाइल फॉलोवर्स पार्सियली मैनरिज्म और ये क्या होता है कोइंसिडेंटली इसका इन इसका पोजीशन और किसका मेरे दोस्त और मैनरिज्म इन दोनों का जो होता है को एक्सीडेंटली दोनों का सुटेबल कंडीशन होता है दोनों का सुटेबल मैनेजर मैनेज होता है मैनर्स होता है दोनों का एक बहुत ही सुटेबल सेगमेंट्स होता है बात समझ पा रहे हैं कि नहीं उसके बाद बात करी जा रही है बैरोक अ वेरिएबल सेवनटीन सेंचुरी पेन यूरोपियन आर्ट मूवमेंट दैट रिप्लेस्ड मैनरिज्म जो किसको रिप्लेस करता है मैनरिज्म को रिप्लेस कर देता है क्या करता है मेरे दोस्त रिप्लेस करता है उसके बाद बात करी जाती है मेरे दोस्त किस चीज की मैनरिज्म एंड इन्वॉल्व सेवरल स्पेशली अर्ली सेवेंटींथ सेंचुरी लिटरेरी स्कूल्स अंडरस्टैंड द बैरोक कैरेक्टराइज बाई इट्स बाई इट्स यूज ऑफ ऑर्नामेंटेशंस एक्सटेंडेड मेटा एंड वर्ड प्ले देखिए मेरे दोस्त बैरोक एक बात की जाती है अगर बैरोक की तो बैरोक में वो सेगमेंट आता है फिगर ऑफ स्पीच का जो फिगर ऑफ स्पीच हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है मेरे दोस्त क्या करता है परेशान करता है हम लोगों को ये नहीं पता है कि फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता क्या है बताइए कोई बता सकता है माय डियर फ्रेंड अगर आप सभी लोग हम लोग अगर समझते हैं और ध्यान देते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या है लिटरेचर में तो इसे आप डीपली समझना पड़ेगा तब जाके ये क्रिएशन आपके सामने क्रिएट होगा कैसे मेरे दोस्त फिगर ऑफ स्पीच इज द वर्ड दैट मेक्स ऑर ऑर्नामेंटेशन ऑफ द पोएम्स और यू कैन से दैट लिटरेचर और पैसेज और नॉवेल्स एनी तो मेरा कहने का मतलब क्या होता है कि दोस्त अगर मान लीजिए कोई पोए लिखी जा रही है तो बिना फिगर ऑफ स्पीच के बिना किसी पोजिशन के हम लोग लिटरेचर अच्छा नहीं कर सकते पढ़ तो सकते हैं समझ तो सकते हैं लेकिन कतई और कभी भी मेरे दोस्त उसको सुंदर नहीं बना सकते किसी भी पोएम को सुंदर लिखना किसी भी म्यूजिक को सुंदर लिखना किसी भी गाने को सुंदर लिखना किसी भी म्यूजिक को सुंदर बनाना उनमें फिगर ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा योगदान होता है क्या तुम्हें पता है ए गुलसन मेरे दिल्वर आने वाले हैं तो फूलो मतलब कहने का मतलब नहीं तुम फूल बरसाओ बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है बाहर बाहर फूल बरसा सकता है क्या नहीं ना लेकिन उसमें यह क्या बात की जा रही फिगर ऑफ स्पीच की बात की जा रही है वही फिगर ऑफ स्पीच जो ऑर्नामेंटेशन की बात करता है सजावट की बात करता है किसकी बात करता है सजावट की बात करता है बोलो हां की ना इज दैट क्लियर और नॉट एनी प्रॉब्लम एनी कंफ्यूजन नो प्रॉब्लम शुड बी टेकन तो क्या होगा वेरिएबल सेवनटीन सेंचुरी और एक वेरिएबल सेवनटीन सेंचुरी में पेन यूरोपियन आर्ट मोमेंट पेन यूरोपियन आर्ट मोमेंट वैपेड माइ डियर फ्रेंड्स जरा बता दीजिए जो कि रिप्लेसड मैनरीज और ये बैरोक जो होता है जैसे ही ये बैरोक की उत्पत्ति होती है ये मैनरीज को रिप्लेस कर देता है मतलब मैनरीज की जगह पे यूज होने लगता है बैरोक ये लिटरेरी मोमेंट लिटरेरी मोमेंट्स हैं मेरे दोस्त लिटरेरी मोमेंट्स के बारे में पूछ लेता है चार ऑप्शन दे देगा उसमें से पूछेगा ये लिटरेरी मोमेंट है कि नहीं है <ग्छल> तो मेरे दोस्त एक इसका मतलब ये है आपको बैरोक याद करना पड़ेगा मैनरीज याद करना पड़ेगा क्यों क्योंकि आपको ये याद करना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा कि ये लिटरेरी मोमेंट्स है कि नहीं है ये लिटरेरी मोमेंट्स का मतलब क्या है बात समझ पा रहे हैं कि नहीं इसी तरीके से बात की जाती है मेरे दोस्त तो क्या करेंगे इन्वॉल्व सेवरल स्पेशली और बहुत सारी स्पेशल चीजें इन्वॉल्व होती हैं स्पेस और, और अर्ली सेवेंटींथ सेंचुरी लिटरेरी स्कूल्स और ये कब सत्रहवीं सदी के जो लिटरेरी स्कूल्स होते हैं उसमें ये सारी चीजें उत्पन्न होकर आई द बैरोक कैरेक्टराइज्ड और बैरोक को वर्गीकृत किया गया बाई इट्स यूज ऑफ ऑर्नामेंटेशन और अपनी किसके लिए ऑर्नामेंटेशन का मतलब क्या होता है सजावटी के लिए सजावट के लिए ऑर्नामेंट मतलब तो आभूषण होता है ऑर्नामेंटेशन का मतलब होता है सजावट एक्सटेंडेड मेटाफर एंड वर्ड प्ले और वर्ड प्ले के बारे में बात होने लगी तो मेरे दोस्त अब जरा आप सभी लोग बताइए इसमें क्या होता है एक्सटेंडेड ठीक है ना ऑर्नामेंटेशन अब बात करी जाती है व्हाट इज दिस ये किसको रिप्लेस करके आया मेरे दोस्त बैरो को लेकिन इसमें क्या करता है इसमें दोनों को एक तरीके से यूज किया जाता है कि दिस सेवेंटी सेंचुरी फॉलोड मैनरिज्म इटालियन और ये क्या है मैरिनिज्म जो है ये मैनरिज्म इटालियन को क्या करता है फॉलो किया बैरोक पोइटिक स्कूल और क्या हुआ फॉलो किया मैनरिज्म इटालियन को और बैरोक पोइटिक स्कूल्स को एंड द टेक्निक्स ऑफ द गियाम्बेटिस्टा मैरिनो एंड हिज फॉलोअर्स वॉज बेस्ड ऑन इट्स यूज ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट एंड एक्सेसिव एक्सटेंडेड मेटाफर एंड लेविस लेविस डिस्क्रिप्शन क्या चीज लेविस डिस्क्रिप्शन मतलब अत्यधिक खर्चीली बातें इसमें बात करी कहने का मतलब क्या हो गया एक्टिविटिस्ट जो है या फिर एक्टिविटी जो होने लगी वो समथिंग डिफरेंट एक्टिविटी चलने लगी होने लगी ठीक है माय डियर फ्रेंड तो यूज ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट एंड एक्सेसिव एक्सटेंडेड मेटाफर और सबसे ज्यादा मेटाफर यूज होने लगा उसमें मेटाफर बोलिए सिमिली मेटाफर है कि के नहीं कहते नहीं कि इट इज अ लाइक अ लाइक लाइक दिस लव इज अ लाइक अ ब्लाइंड लव इज अ ब्लाइंड दोनों का अर्थ मीनिंग चेंज हो जाता है है कि नहीं और जहां पे लाइक like यूज हो जाता है उसे हम सिमिली कहते हैं जहां पे लाइक like हट जाता है और कंपैरिजन होता रहता है उसे हम मेटाफर कहते हैं तो ये अंतर होता है दोनों में तो मेटाफर ज्यादातर तो ले, लेकिन अब देखिए मैरिनिज्म के बारे में अगर बात की जाती है तो यह किसको फॉलो करता है यह क्वेश्चन कई बार बनाया गया है मैनरिज्म को फॉलो करता है और बैरोग पोएट्री स्कूल को फॉलो करता है किसको दो चीजों को बैरोक पोएटिक स्कूल्स को और मेरे दोस्त बात की जाती है मैनरिज्म की ठीक है अगला बात करते हैं कंसेप्टीज मो अब कंसेप्टीजमो की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है मेरे दोस्त यह भी क्वेश्चन खूब बनाता है सेवनटीन सेंचुरी बैरोक मोमेंट इन द स्पेनिश लिटरेचर अब देखिए जो देता है वो ये देता है कि कॉन्सेप्टीजो जो वर्ड है ये लिटरेरी मोमेंट किस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आता है कौन से लैंग्वेज लैंग्वेज के अकॉर्डिंग शो कराया जाता है तो क्या है मेरे दोस्त दैट इज स्पेनिश वो क्या है मेरे दोस्त स्पेनिश लैंग्वेज है कौन सी लैंग्वेज है स्पेनिश लैंग्वेज है अंडरस्टैंड क्लियरली और नॉट तो स्पेनिश लिटरेचर सिमिलर टू द मैरिनिज्म कहा किसके मैरिनिज्म जो है उसके इक्वल माना जाता है कौन कॉन्सेप्टीज्मीज्मो जो है वो किसके सिमिलर माना जाता है के सिमिलर माना जाता है जिसको हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे मेरे दोस्त क्या में जो है वो किसको किसके मैनर्स में को इटालियन को वो संबोधित कराता है और फॉलो करता है है कि नहीं निजमो जो वर्ड आता है निजमो को अगर हम लोग समझते हैं तो ये भी स्पेनिश में है लेकिन इसमें बैरोक वर्ड भी जुड़ जाता है क्या एनदर सेवेंटींथ सेंचुरी स्पेनिश बैरोक मोमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्सेप्टिज्मो कैरेक्टराइज बाई एन ऑर्नामेंटल ऑस्टेंटेसियस वर्कबलरी एंड हाईली सिंटैक्स देखिए मेरे दोस्त यहीं से कहा से कल्टरेनिज्मों से ही एक क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है वो कैबुलरी की किसकी वो कैबुलरी की यहां से एक कॉन्सेप्चुअली मोमेंट स्टार्ट होता है जिसमें हम लोग अगर समझते हैं तो अगर ये सभी मोमेंट अगर क्लियर नहीं होता है तो हम लोग कतई उसको सेगमेंट segment, सेगमेंटाइज नहीं कर सकते हैं ठीक है जी चलिए मेरे दोस्त आगे हम लोग बात करें तो अगला बताइए क्या है अगला आ रहा है आप लोगों का प्रीसी प्रीसी क्या बात हो रही है प्रीसीएसिस तो क्या बात करेंगे हम सभी लोग द मेन फीचर्स ऑफ दिस 17th सेंचुरी फ्रेंच बैरोक देखिए वहां स्पेनिश की बात हो रही थी यहां फ्रेंच बैरोक की बात होने लगी वहां जो हम लोग मैरनीज में, में पढ़ रहे थे बैरोक में पढ़ रहे थे उसमें किसकी बात हो रही थी स्पेनिश की बात हो रही थी यहां पे फ्रेंच की बात हो रही है फ्रेंच बैरोक मोमेंट सिमिलर टू द स्पेनिश कल्चरनीज़ कल्चरनीज मो एंड इंग्लिश इंथोजियाज्म जानते हैं कल्चरिज्म होती स्पेनिश कल्चरिज्म होता है और मेरे दोस्त यहां से लेके यहां तक होता है ये ये यहां तक उसके बाद एंड जो है अलग से जुड़ा है एंड इंग्लिश इफिज्म आर द रिफाइंड प्रोज एंड पोइट्री लैंग्वेजेस ऑफ एरिस्ट्रोक्रेटिकाइपर हाइपरबोल एंड पंस ऑन द थीम ऑफ द गैलेंट लव डियर फ्रेंड पे गैलेंट लव की की बात की जाती है कहने का मतलब अगर हम सभी लोग किसी भी चीज को डीपली डीपली किसी थियरी में या किसी मैथ्स में जाते हैं तो उसमें ये गैलेंट एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं पहले का जो लव था जो अफेक्शन था वो गैलेंट लव के अकॉर्डिंग आया करता था सारे के सारी जितनी भी इस दुनिया में चीजें हैं वो सारी की सारी चीजों में, में मेरे दोस्त कुछ न कुछ अपना एक सेगमेंट होता है एक अपना तरीका होता है मान लीजिए अभी हम लोग आगे चल के जब पढ़ना शुरू करेंगे तो जैसे देखते हैं लिरिक का भी एक अपना मोमेंट है जैसे बलाड आप पढ़ते होंगे बलाड यह भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है इन सभी शब्दों की उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं बलाड हो गया लिरिक हो गया है कि नहीं ये सारी की सारी सेगमेंट्स जो होते थे ये अपने आप को बहुत ज्यादा उन सभी पोएम्स को उन सभी नॉवेल्स को उन सभी शॉर्ट स्टोरीज को एक अपना मकाम देता था एक अपना तरीका देता था जिसमें स्टूडेंट अपने आप को क्या करता था मेरे दोस्त जिसमें स्टूडेंट अपने आप को बहुत ज्यादा फोकस करा के उन सब चीजों को समझने के देखिए सबका अपना अपना जो तरीका है मेरे दोस्त वो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करता है अगर हम सभी लोग समझते हैं तो एक सेगमेंट ये आता है कि अगर आप लोग पढ़ते हैं अगर मान लीजिए कि हम हम ही हम ही एक ह्यूमन बीइंग है मान लीजिए मैं हूं आप हैं या दुनिया में कोई सबको एक जैसी स्टोरीज नहीं पसंद आती है आप हम लोग सब जानते हैं कि पता चला कोई स्टोरी सुना रहा है आपको आपको वो स्टोरी समझ में आ रही है और खूब इंटरेस्ट से आप सुन रहे हैं मुझे ही पता चला लगता है कि वो स्टोरी एकदम बोरिंग लगी तो सबका जो नजरिया होता है मेरे दोस्त वो डिफरेंट टाइप का होता है आपने देखा होगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ आपने देखा होगा कि जब कोई बंदा रिटर्न में लिखता है मान लीजिए आप बी कर रहे हैं बी कर रहे हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आपने देखा सेम कहानी सेम चीजें आपने भी लिखी है सेम चीजें आपके दोस्त ने भी लिखी है लेकिन आपको कम नंबर मिलता है उसको ज्यादा नंबर मिलता है तो मैटर ये हो जाता है मेरे दोस्त कि जो राइट जो एग्जामिनर होते हैं जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो बंदे ये होते हैं कि मान लीजिए आपका विचार और उनका विचार एक जैसा मिल गया जब एक जैसा मिल गया तो वो आपके विचारों को क्या कर लिए सेगमेंट में सोचने हाँ ये एकदम सही लिखा है लेकिन पता चला वही जो मेरे और उसके विचारों के विरुद्ध जो है वो कंट्रोडक्शन हो गया तो वो कंट्रोडक्शन हो गया तो वो अपने अकॉर्डिंग ही नंबर देगा क्योंकि मेरे दोस्त उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है सोच के नंबर देने की और चीजों को एक्सप्रेस करके विद्यार्थियों के सामने तक पहुंचाने की तो वही चीज यहां पे कहने का मतलब ये है कि जो है इसमें ये है कि जो भी बंदा है जो भी स्टूडेंट है जो भी विद्यार्थी है जो भी टीचर्स है जो भी पर्सन है वो दुनिया के हर एक सेगमेंट्स को समझ सकता है इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी बंदा अगर कुछ बनना चाहता है तो उसके उसके दिमाग को दिमाग पे छोड़ दीजिए ताकि वो उस पर हंड्रेड परसेंट फोकस कर सके और हंड्रेड परसेंट उसमें बेस्ट कर सके जैसे कि मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट है गेम खेलने में मुझे इंटरेस्ट है फुटबॉल खेलने में आप जबरदस्ती मुझे जो है कि बैट बल्ला और जो है पकड़ा रहे हैं तो क्या वो हो सकता है क्या दैट वुड नॉट बी द बेटर वो अच्छा नहीं हो सकता दैट विल नेवर बी सो so, मेरा मेरे दोस्त कहने का बस इतना सा मतलब है कि इसमें इसमें क्या होने लगी सबसे बड़ी चीज क्या पेरीफ्रेस होने लगा हाइपर बोल्स होने लगा एंड पंस बार बार रिपीट होने वाली बातें होने लगी हाइपर बोल्स का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना मान लीजिए ये कि कहीं पे एक्सीडेंट हो गया और व्यक्तियों को चोट पहुंच गई दस बारह पंद्रह बच्चे लोग थे लेकिन तब तक एक बंदा आया और वो बता दस लोगों के बीच बता रहे भाई साहब वहां पर एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में पंद्रह लोग ऑन स्पॉट डेथ हो गए कुचल दिए गए एकदम से तो ये क्या है बढ़ा चढ़ा के बताना इतना बढ़ा चढ़ा के बता देना कि जिसकी कोई उम्मीद ना की जा सके बात समझ पा रहे हैं कि नहीं तो मेरे दोस्त इसमें क्या हो जाएगा जरा आप सभी लोग बता दीजिए सेगमेंट में आप समझ लीजिए इसमें वही हो गया अगला बताइए आ गया मेटाफिजिकल पोएट पोएट्स देखिए मेरे दोस्त मेटाफिजिकल पोएट्स या पोइट्री का मतलब क्या होता है ये भी 17 सेंचुरी में स्टार्ट होने वाली बात होती है क्या सेंचुरीज इंग्लिश बैरोक स्कूल यूजिंग एक्सटेंडेड की बात होने लगती है इसमें किसकी बात होने लगी कंसीट मतलब थोड़ा सा दिमाग को संचित संकुचित करके छल करके या कह लीजिए किसी के दिमाग को रिप्रेजेंट करके उसमें बताना ही क्या कहलाता है मेटाफिजिकल मेटाफिजिकल कई तरीके की किसी को इंडिकेट करके किसी को संबोधित करके जबरदस्ती उस क्षेत्र में काम कराना है या विचार को प्रकट करना है ठीक है माई डियर फ्रेंड तो वो कंसीट ऑफ एन दो नॉट ऑलवेज अबाउट रिलीजन मेरे दोस्त ये रिलीजन के बारे में नहीं बात करते हैं ये हमेशा अपने विचारों पे डिपेंड कराते हैं अपनी माइथोलॉजीज पे ध्यान देते हैं ये कभी रिलीजन और धर्म पे नहीं लिखते हैं रिलीजन और धर्म के बारे में कत् नहीं सोचते हैं थिंक अबाउट रिलीजन ठीक है डियर? आइए देखते हैं तो ये हो गया तो क्या होता है क्या बात की जाती है सेवेंटी सेंचुरी में ये लोग जो होते हैं ये हमेशा जो है कि धर्म और धर्म के बारे में नहीं सोचते उसमें संकुचित दिमाग को लेके सोचते हैं वो हमेशा अपने दिमाग में अपनी माइथोलॉजीज के अपने विचारों को ज्यादा सामने प्रकट करते हैं उसके बाद क्या होता है माय डियर फ्रेंड आता है क्या? क्या कैवेलियर कैवेलियर की बात होती है। कैवेलियर पोइट्स कैसे होते हैं मेरे दोस्त और मेरे दोस्त वहां पर जो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में यहां पे जो हम लोग बात कर रहे थे मेटाफिजिकल के बारे में ये लव अफेक्शन इन सब के बारे में कत्ता ही नहीं सोचते थे विचार भी नहीं करते थे लेकिन इसमें क्या है मेरे दोस्त इनका जो आ, जो आपके कैलिवियर पोइट होते थे पोइट्स होते थे या पोइट्रीज इनकी होती थी उसमें भाई साहब हमेशा सा लव होता था एक फीलिंग्स होती थी एक इमोशंस होते थे लेकिन मेटाफिजिकल में कोई इमोशंस वगैरह इमोशंस नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी तो क्या हो गया मेरे दोस्त बताइए सेवनटींथ सेंचुरी इंग्लिश बैरोक रॉयलिस्टिक्स पोएट हां यहां से रॉयलिटी निकल के आती है शानदार बेहतरीन सेगमेंट्स को बताते हैं ठीक है माय डियर फ्रेंड अगला आप लोग बताइए राइटिंग प्राइमरली अबाउट कॉर्टली लव कॉल्ड सन ऑफ बेन और माय डियर फ्रेंड यहीं पे क्या होता है सन ऑफ बेन भी कहे जाने लगते हैं जॉनसेंस जॉन John बेन्स की बात होने लगती है कि ये इनके विचारों को सबसे ज्यादा कलेवियर कलेवियर पोएट्स के अकॉर्डिंग आते हैं और मेरे दोस्त हमने आपको बता दिया यहाँ पे ये सभी जो पोएट्स होते हैं सेवनटीन सेंचुरी के सत्रहवीं सदी के जिनमें इमोशंस था लव था और हेट था और क्या मर्सी थी वो सारी चीजें कलेक्टेड थी ठीक है माय डियर फ्रेंड वो कनेक्टेड थी सारी की सारी की चीजें के बारे में अगर हम आप लोग बात करते हैं तो क्या आता है मेरे दोस्त यहां से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है मेरे दोस्त मैनर्स तो स्टार्ट रहता ही यहां से हमारी प्रोज की कहानियां जो स्टोरीज होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं, मैनेज कराना सेगमेंट्स में लेना वो सारी की सारी चीजें स्टेबल हो जाती अब बैरोक प्रोस, बैरोक प्रोस से स्टार्ट हो जाती है मेरे दोस्त रिचली डेकोरेटेड विद द रिटोरियल क्वेश्चन और जानते हैं इसमें बहुत सारे चीजों के बहुत सारे सेगमेंट्स के प्रश्न भी पूछे जाने लगे थे कि मान लीजिए क्या ये सही है क्या ये गलत है नहीं सही है तो क्यों नहीं सही है गलत है तो क्यों गलत है पहले की स्टोरीज में प्रश्न वगैरह पूछने की कोई सेगमेंट नहीं हुआ करता था जो चीजें मतलब जो पावरफुल पर्सनालिटी है अगर वो बात बोल रहा है तो वही मेन है उसके अलावा कुछ भी इधर उधर नहीं है मेरे दोस्त बात समझ में आ गई कि नहीं ये आगे बताइए क्या कह रहे हैं क्लासिसिज्म देखिए यहां पे क्लासिकल सेगमेंट्स स्टार्ट होता है क्लासिसिज्म की बात हो रही है सेवनटींथ सेंचुरी टू एटीन सेंचुरी के बारे में बात हो रही है वेस्टर्न कल्चर मोमेंट दैट पार्सियली को विद बैरोक इंसाइटेड विद द एज ऑफ द इनलाइटनमेंट ओ हो हो यहीं से इनलाइटनमेंट भी स्टार्ट हो जाता है एंड ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द क्वालिटीज ऑफ प्रमोशन ऑफ द मेजर वर्क्स ऑफ क्लासिकल एंशिएंट ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर किसमें मेरे दोस्त ग्रीक और लैटिन लिटरेचर में बात करी जाए तो किसमें ग्रीक और लैटिन लिटरेचर में ठीक है माय डियर फ्रेंड और इसी के साथ साथ ये जो क्लासिकल एज स्टार्ट होता है क्लासिकल सेगमेंट्स जो स्टार्ट होता है उसमें बहुत सारे इंस्पिरेशन के बारे में बात की जाती है और जो भी इनलाइटनमेंट मतलब आत्म आत्ममुग्धता और आत्म संचरात्मक कंडीशन जो होती है जैसे मान लीजिए इनलाइटनमेंट का मतलब होता है कि रिमूव द डार्कनेस फ्रॉम आर सेल्फ एक्चुअल मीनिंग फॉर दिस वर्ड अंडरस्टैंड माइ डियर फ्रेंड तो कहने का मतलब यही हो जाता है कि वेन फ्रॉम द्लासिस ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर फ्रॉम हियर क्लासिसम से एनशियंट ग्रीक और लैटिन लिटरेचर की उत्पत्ति होती है लिखा जाना शुरू होता है क्या शुरू होता है लिखा जाना शुरू होता है सीजन से डियर फ्रेंड ठीक है चलिए इसी के साथ में हम लोग बात करें तो और आगे क्या आता है रोमांटिक कंडीशन आता है रोमांटिक फिक्शन आता है कि मतलब जो रोमांस जो रोमांटिक फिक्शन होते हैं वो यहीं से क्रिएट होते हैं जैसे हमने कहा कि रोमांटिक फिक्शन पॉपुलर अराउंड सिक्सटीन सिक्सटी टू सेवनटीन थर्टी बल फॉर प्रिडिंग द मॉडर्न द मॉडर्न नोवेल फॉर्म एंड द प्रोड्यूसिंग सेबरल प्रोमिनेंट फीमेल ऑथर प्रोमिनेंट फीमेल ऑथर अंडरस्टैंड माई डियर फ्रेंड अब सर आप सभी लोग बताइए सेबरल प्रोमिनेंट फीमेल ऑथर जो इसमें जानते हैं जो एमेटोरी जो है इसमें एफा बेन जो आती है वो बहुत यहीं से यही एक सेंचुरी होती है जहां से एक फीमेल पोएट की फीमेल राइटर की उत्पत्ति होती है अदरवाइज फीमेल पोएट और फीमेल राइटर की कोई उत्पत्ति नहीं थी इसके पहले कोई भी फीमेल राइटर्स थी ही नहीं जो चीजों को क्या करे राइट right करे तो यहीं से आपका स्टार्ट होता है और ये रोमांटिक होता है जानते ही यहीं से रोमांटिसिज्म का स्टार्ट start, स्टार्टेशन होता है फिक्सन पॉपुलर अराउंड सिक्सटीन सिक्सटी टू सेवनटीन थर्टी नोटेबल फॉर द प्रोसिडिंग द मॉडर्न नॉवल और यहीं से नोटेबल किया जाता है मॉडर्न नॉवल के बारे में किसके बारे में मॉडर्न नॉवेल के बारे में बोलो हां की नाम आई डियर फ्रेंड यस उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त क्या आता है जरा बता दीजिए कि एंड प्रोड्यूसिंग और उत्पन्न होना उत्पन्न करना प्रोड्यूसिंग सेवरल प्रोमिनेंट फीमेल ऑथर्स और यहीं से कुछ महत्वपूर्ण फीमेल ऑथर्स भी क्या होती हैं क्रिएट होती हैं उत्पन्न होती हैं आती हैं या जन्म लेती हैं अगस्टन्स अगस्टन्स के बारे में हमने पढ़ भी लिया है बहुत ही अच्छा एटीन सेंचुरी की ये बात है कि लिटरेरी मोमेंट्स बेस्ड ऑन चीफली चीफली ऑन क्लासिकल एंड स्केप्टिसिज्म मेरे दोस्त यहीं से क्लासिकल आइडियाज आता है यहीं से व्यंग आता है सटायर आता है जिसे हम कह सकते हैं टॉन्ट मारना क्या मारना टॉन्ट मारना या फिर व्यंग बोलना व्यंग कहते नहीं कि अरे भाई साहब आजकल आप खूब व्यंग बोल रहे हैं मेरे ऊपर कोई बात नहीं एक दिन मेरा भी समय आएगा तो मैं सबसे पूछूंगा बात बोलते हैं कि नहीं तो वही वाला सेगमेंट्स के बारे में जो बात करते हैं मेरे दोस्तों क्या आता है जरा बताइए क्लासिकल आइडियाज क्लासिकल आइडियल्स आइडियल्स के बारे में बात होती है सटायर्स के बारे में बात होते हैं यह तारे के सारे अगस्ट में यूज किया जाता है अगस्टंस मोमेंट में आता है अगस्टन्स मोमेंट भी बहुत ही फेमस रहा है जिनको मैं आप लोगों को पिछली क्लासेस में बहुत डीपली पढ़ा रखा है आगे बात हम करते हैं सेंटीमेंटलिज्म सेंटीमेंटलिज्मीमेंटलीज्म लिटरेरी सेंटिलिट Uh, sentimentalism arose during the 18th century, partly as a response to the sentimentalism in philosophy. in 18th century england, the sentimental novel was a major literary genre. Hmm. the moment was one of the roots of the romanticism सेंटिमेंटलिज्म जो आता है यहीं से रोमेंटिस का स्टार्ट स्टार्टअप होता है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है इन सब सेगमेंट के बारे में कि स्टार्ट कहां से हुआ तो स्टूडेंट स्टूडेंट्स क्या कर देता है रोमेंटिस में भी ही यूज कर देता है यह एक कह लीजिए क्या होता है सेंटिमेंटलिज्म जो होता है यह एक रूट होता है किसका रोमेंटिसम का किसका रोमेंटिस का बहुत ही अच्छा सेगमेंट है ये गौथिक जो फिक्शन है गौथिक फिक्शन में मेरे दोस्त हॉरर स्टोरीज के बारे में हॉरर इमेजेस के बारे में अब यहां से उत्पत्ति होती है कि जो हॉरर होती है खतरनाक एकदम डरावनी वाली जो विचार होते हैं लेकिन इसमें इमेज नहीं आती इसमें वीडियोस नहीं आते इसमें हॉरर एक्टिविटीज आती है जैसे हम लोग पहले बचपन में क्या होता था हमारे पास कुछ खेलने के लिए नहीं होता था तो हमारे जो दोस्त यार मित्र होते थे कोई पता चला हम कहीं पे छिपे हुए हैं छिप के जैसे ही वो वो बंदा इधर तो कर देते हैं वो उन सभी चीजों को हम लोग क्या बात करते हैं मेरे दोस्त दैट इज कॉल्ड गौतिक फिक्शन हमारे दिमाग में जो डरा देने वाली चीजें होती है ठीक है ना नेगेटिव एक्टिविटीज जो होती है उस उन सभी के बारे में बात करते हैं तो हॉरर फिक्स एग्जिस्टेड अस्तित्व में आया फ्रॉम सेवेंटीन सिक्सटीज इन विच द एटमोस्फियर इस टाइपिकली क्लास्ट्रोफोबिक क्लास्ट्रोफोबिक का मतलब क्या हो गया क्लास्ट्रोफोबिया वर्ड यूज करते हैं हम लोग है कि नहीं क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब होता है कि कंफाइंड प्लेसेस से कम जगह से जैसे कि मान लीजिए बहुत सरकरी सी जगह है अंधेरा है चारों तरफ और एकदम झाड़ी झंखाड़ी है और उससे होके आपको गुजरना है रात भी है लाइट भी नहीं और आप गुजर रहे हैं इधर चू चुछ। ये आवाज आ रही है अब आप आपको क्या होता अप्री भाई साहब पीछे आगे अगल बगल देखते हुए चल रहे भाई साहब कुछ होगा तो नहीं होगा तो नहीं ये सभी सेगमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो उसे हम लोग क्लास्टो कहते हैं एंड कॉमन प्लॉट इलिमेंट्स इंक्लूड वेंजफुलसेपर्से इम्रिजमेंट एंड मर्डर विद इंटरेस्ट मर्डर विद इंटरेस्ट इन द सुपर नेचुरल एंड इन वॉयलेंस सुपर नेचुरल एंड इन वॉयलेंस के बारे में बात होती है बोलो माई डियर फ्रेंड समझ में आई कि नहीं बातें यस हंड्रेड परसेंट इट इज श्योर एंड क्लियर क्लियर तो हम लोग यहां पे बात करते हैं तो ये इसमें वायलेंस के बारे में बात आती है वही डरावनी सेगमेंट्स के बारे में बात आता है जिसमें मोमेंट बताई जाती है हर एक मोमेंट के बारे में चर्चा होता है क्या होता है स्टर्म एंड ड्रैग स्टर्म एंड ड्रैग के बारे में अगर हम आप लोग बात करते हैं मेरे दोस्त सेवनटीन सेवन सेवनटीन टू सेवनटीन एटी प्रिकर्सर precursor to the romanticism it is named for a play by frederick maximilia maximilia klinger maximilia jo klinger thi inke bare mein hi inhi ke play uh, में जो बात आती है वो आती है क्या रोमेंटिसीज में हा इट्स लिटरेचर ऑफ एन फीचर्स अ इसमें प्रोटागोनिस्ट के बारे में बात की जाती है विच इज ड्राइव इन बाई इमोशंस जो किससे चलता है इमोशंस से चला करता है किससे इमोशंस से चला करता है अंडरस्टैंड माइ डियर फ्रेंड और नॉट यस इंपल्स एंड अदर मोटिव दैट रन काउंटर टू द इनलाइटनमेंट एंड रेशनलिज्म किसके बारे में बात करते हैं Ration, के बारे में बात करते हैं बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ये सारी सारी चीजें आती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्त तो ये हो गया इनलाइटनमेंट अंडरस्टैंड माइ डियर फ्रेंड फुली क्लियर चलिए आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में वेमर क्लासिसमर क्लासिस में कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाती है कॉन्ट्रेक्ट डिक्शन की बात की जाती है जो सबसे डिफरेंट होते हैं जैसे हम बात करते हैं इन कॉन्ट्रेस्ट विद द कॉन्टेपोरेनियस जर्मन रोमेंटिस यहां पे किस मोस्टली किसके बारे में बात होती है जर्मन रोमन रोमेंटिस के बारे में बात की जाती है द प्रैक्टिसनर्स ऑफ वैमर 1788 टू एटीन जीरो फाइव स्टैब्लिस्ड द सिंथेसिस ऑफ आइडियाज फ्रॉम प्री रोमेंटिस एंड हैोमेंटिस एंड क्लासिसमें सारी चीजें पाई जाती है एक तरह से कह लीजिए एवरीथिंग इज बींग गॉड सारी की सारी चीजें यहां पर मिलती है रोमेंटिस में स्टर्न ड्राइंग की भी बात होती है रोमेंटिस की भी बात होती है क्लासिसिज्म की भी बात होती है इन सभी की सभी चीजों के बारे में बातचीत होती है वार्तालाप होती है बोलो हाँ आई डियर फ्रेंड यस उसके बाद मेरे दोस्त बात आती है अब आया है रोमेंटिस में रोमेंटिस की बात अगर करते हैं तो रोमेंटिस हमेशा नाइनटीन सेंचुरी में आता है किसमें नाइनटीन सेंचुरी में बात होती है इसके लिए तो सेंचुरी में अगर हम बात करते हैं तो नाइनटीन सेंचुरी क्या है एटीन हंड्रेड टू एटीन सिक्स मोमेंट इमोशंस जिसमें ज्यादा जोर किसमें दिया गया है इमोशंस पे इमेजिनेशन पे और क्या रेदर देन लॉजिक एंड साइंटिफिक थॉट जानते हैं किसकी अपेक्षा जो आप लोगों के लॉजिक होती है जो साइंटिफिक चीजें होती हैं उसको एकदम किनार करके बात की जाती है इमोशंस और इमेजिनेशन पे मतलब कोई कितना इमेजिन करता है उसको आपके प्रति कितना आ, कह लीजिए कि इमोशंस उसके दिल में भरा हुआ है उन सब चीजों के बारे में वार्तालाप और बातचीत होती है मेरे दोस्त बात क्लियर हुई कि नहीं रेदर देन किसकी अपेक्षा मेरे दोस्त लॉजिक एंड साइंटिफिक थॉट की अपेक्षा रिस्पॉन्स टू द इनलाइटनमेंट और उसमें इनलाइटनमेंट का भी एक रिस्पॉन्स एक क्रिएटिविटी देखने को मिलती है मेरे दोस्त ठीक है उसी के साथ साथ हमारे सामने आता है और तो रोमेंटिक डार्क रोमांटिसीज बीच में क्या होता है मेरे दोस्त जो रोमांटिसम होता है उसमें निगेटिविटी आ जाती है भाई रोमेंटिस के बारे में ज्यादा सोचते सोचते जो वो एरा होता है वो डार्क हो जाता है मतलब उसमें बहुत सारी बुराइयां आ जाती है बहुत सारी कुरीतियां आ जाती हैं बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं जिसके बारे में हम लोग वार्तालाप और चर्चा करते हैं जैसे देखिए आई स्टाइल विद इन रोमेंटिस देखिए आ गया ना पाप हमने आपको क्या कहा जिसमें पाप बहुत ज्यादा बहुत तेजी से सामने आता है डिस्ट्रक्टिव मतलब व्यक्ति स्वयं को ही क्या कर लेता है नष्ट कर लेता है डिस्ट्रक्ट कर लेता है ऐसे भी एरा आए हैं एक समय उस समय एक्चुअल क्या हो गया कि जब रोमांटिसिज्म था तो रोमांटिसिज्म में इमोशंस पे ज्यादा लोग ध्यान देने लगे और जब देखिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस इमोशंस पर नहीं चला करते मेरे दोस्त अगर पे लेके चलने लगेंगे तो समझ लीजिए कि इतनी ज़्यादा अराजकता भविष्य में आने वाली है तो जब इमोशंस पे लोग फोकस करने लगे तो क्या होने लगा अपना भाई भतीजा दोस्त यार फ्रेंड गर्लफ्रेंड फलाना डिमका ये वो सबको ऊपर आप ध्यान देने लगे जिसके ऊपर जिस, जो शासन कर रहा उसके ऊपर कोई वही नहीं रह गया कि नहीं यार ये सही है ये गलत है ना इमोशंस पे जा रहे हैं वो सब के सब लोग तो उस समय क्या होता है धीरे 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 चारों तरफ अराजकता फैल जाती है अराजकता जब फैल जाती है तो जो रोमांटिसिज्म होता है वो कहां पे चला जाता है डार्क की तरफ चला जाता है मतलब चार भाई ये बताइए जब आप जो राजा है जो किंग है या जो मालिक है मान लीजिए परिवार का अगर वही करप्ट है तो क्या पूरा परिवार करप्ट नहीं हो जाएगा एकदम करप्ट हो जाएगा पापी हो जाएगा एकदम से तो उसमें तो धीरे धीरे क्या हो गया इसीलिए इसको डार्क रोमांटिसिज्म कहा जाने लगा जिसमें पाप आया सेल्फ डिस्ट्रक्शन आया नेचर और डार्क आया मतलब लोग मिस्टीरियस फोर्स आया मतलब रहस्य मतलब आक्रामक एकदम चारों तरफ से क्या कर दे नास्ताबूद करके रख दे डिस्ट्रक्ट करके रख दे समाप्त करके रख दे कुछ बचे ही ना जिंदगी में तब आता है डार्क के बाद तो मतलब रोमेंटिस के बाद आता है डार्क रोमांटिसिज्म उसके बाद बात की जाती है मेरे दोस्त अमेरिकन रोमांटिसिज्म के बारे में बात की जाती है किसके बारे में अमेरिकन रोमेंटिस के बारे में क्या होता है डिस्टिंग फ्रॉम यूरोपियन रोमेंटिसीज द अमेरिका फ्रॉम इमर्ज बेस्ड मोर इन फिक्शन दैन इन पोएट्री ज्यादातर बात होने लगी फिक्शन में बात होने लगी पोएट्री के बारे में चर्चा भी नहीं एंड इन कॉर्पोरेटेड समाइम्स एलमोस्ट सपोकेटिंग अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री पर्टिकुलरली द डार्कनेस ऑस्पेक्ट ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री और मेरे दोस्त क्या होता है अमेरिकन रोमांटिसिज्म में अमेरिकन की जो हिस्ट्री होती है उसमें एक डार्केस्ट औस, ऑस्पेक्ट आया पद्धति आई जिसमें भी हर एक इंसान हर एक व्यक्ति अपने आप को क्या करने लगा डिस्ट्रॉय करने लगा समाप्त करने लगा परेशान करने लगा कि भाई ये निगेटिविटी है ये समस्या है ठीक है जी अगला हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्तों क्या आता है जरा बताइए डार्क लेक पोएट्स लेक पोएट्स में इसमें बहुत सारी चीजें फिर से निकल के आती है जिसमें नेचर आता है आता है, लव आता है सारी इमोशंस आते हैं अब ये कंप्लीट बन रहा है धीरे 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 जैसे कि हमारी ये उत्पत्ति एक बार हुई तो हम एक बार में ही एक साथ में ही डायरेक्ट कोई भी बंदा जो है कि वो नहीं हो गया सभ्य नहीं हो गया पहले धीरे धीरे हम लोग ऐसे घुटने के बल चल रहे थे फिर चल के ऐसे करके चलने लगे फिर अब एकदम एग्जैक्ट हम लोग अपने तरीके से हर तरीके से कहां पे हमको वो करना है मूव करना है कहां क्या सारी की सारी चीजें हमको आने लगी तो यहां पे कहते हैं क्या अ ग्रुप ऑफ रोमांटिक पोएट्स फ्रॉम द इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट जो इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट जहां से बहुत सारे पोएट सामने आते हैं वहां से बारे में बात हो रही कि लेक डिस्ट्रिक्ट रोट अबाउट नेचर एंड द सबलाइम जो किसके बारे में लिखते हैं नेचर के बारे में लिखते हैं और सबलाइम के बारे में लिखते हैं यहां से वो वार्तालाप स्टार्ट होता है तो मेरे दोस्त ये रहा आप लोगों का सेगमेंट जिसका जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंप्लीट आ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लिटरेरी मोमेंट जो है अभी बहुत सारे लिटरेरी मोमेंट हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे सेगमेंट के बारे में जिसमें आप लोग समझेंगे कि कौन देखिए लिटरेरी मोमेंट का मतलब क्या होता है कि ये लिटरेचर जो होता है ये कहानियों से और कहानियों के साथ साथ कौन सी सभ्यता सिविलाइजेशन कहाँ से जुड़ी है किससे जुड़ी है इंग्लिश के लिटरेचर में इंग्लिश के लिटरेचर की सभ्यता की हम बात करते हैं हम हिस्ट्री में जो चीजें दी गई हमसे उससे मतलब नहीं है बल्कि उस कौ, कौन से टाइम पे कौन सा लिटरेचर आया कौन से फिगर ऑफ स्पीच आया मेटाफर कब आया हाइपर कब आया परसोनिफिकेशन कब आया और ये कब यूज होने लगे कौन सी पोइट्री में परसोनिफिकेशन यूज होता है तो उसको क्या बोलते हैं हाइपर बोल यूज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं बहुत सारे अभी तो हम लोग फिगर ऑफ स्पीच सिर्फ सेवन पढ़ते हैं जबकि माई डियर फ्रेंड फिफ्टी फिगर ऑफ स्पीच एक्चुअल में होता है

तो मेरे दोस्तों आज की क्लास को बस पे हम लोग फिनिश करते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू सो मच एंड हैव नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू